अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के सभी कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जितने भी आप लोग ने कमेंट्स किया है। और इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है अभी दोस्तों। गठबंधन को बहुमत है, लेकिन डायरेक्ट किसी को बहुमत नहीं मिला, आपको पता है। तो किसकी सरकार बनेगी कुछ दिन के बाद आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। और एक अच्छी बात ये रहेगी, गुड न्यूज आपके लिए बता दें, इस बार का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें हमारा विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको सरकारी नौकरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सबसे अच्छा चुनाव अगर कहीं हुआ तो हमारे उत्तर प्रदेश हुआ। जी हाँ, बराबर की टक्कर रही, किसी एक भी पार्टी को एक तरफा सीट नहीं मिली। तो उससे होता क्या है ना कि आप लोगों की जो बात रखते हैं ना, तो विपक्ष वाले मजबूती के साथ रखते हैं सरकार के सामने, ठीक है ना। तो जितने भी दोस्तों यहाँ पर आपके डाउट्स होंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लास्ट ईयर दोस्तों देखिए, पिछले साल 2 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, ठीक है ना। तो इस बार आज 5 तारीख हो गई, अभी तक ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। एक एक वृक्ष जरूर लगाइएगा कम से कम आज के दिन, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखेंगे आप लोग की स्टेट रैंक कैसे आएगी, ओटीपी क्या होता है, ऑप्शन फिलिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों एक नोटिस आएगी आपके लिए, सेकेंड नोटिस, ठीक है ना। ये सेकेंड नोटिस होती है, फर्स्ट वाली जो नोटिस होगी वो ये वाली रहेगी, ये वाली, ठीक है, ये फर्स्ट नोटिस रहेगी। तो दो नोटिस अब आपके सामने आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। डेट एक्सटेंड होती है तो एक अलग मैटर होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के कमेंट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। और एडमिशन का, ठीक है ना, ए टू जेड प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या था, सर मेरा अब सब कंप्लीट है, जब फॉर्म आए तब बताएं। जी हाँ देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है, जितने भी बच्चे अभी ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में हैं, या जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है, तो वो ये सोचे कि जल्द से जल्द उनका एग्जाम हो और रिजल्ट आ जाए, क्योंकि बिना रिजल्ट के आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट बहुत जरूरी है। सर मैं बिहार से हूँ, क्या यूपी से डीएलएड कर सकता हूँ, मेरे पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए एक बात याद रखिएगा, अभी बिहार में ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आ रही, देखिए जो बच्चे बिहार के 79943, जी हाँ, अगर आपके पास डीएलएड होता तो आप लगभग 80,000 पदों की वैकेंसी में सम्मिलित हो पाते और हो सकता है आपकी नौकरी लग जाती, ठीक है। अब देखिए एक बात और, जो ये वैकेंसी बिहार में आई थी ना इतनी बड़ी 80,000 तकरीबन, तो वहाँ पर यूपी के बच्चों को आरक्षण नहीं मिला था, तो बहुत से बच्चे यूपी के थे वो जो सोच रहे थे काश हम बिहारी होते और आज हमें नौकरी मिल जाती, ठीक है ना। तो जो डीएलएड करने की बात है, यूपी में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी था लास्ट 2023 तक। अभी 2024 का नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, फिलहाल देखते हैं और बातें। अब एक और सवाल, सर राजस्थान वाले एडमिशन ले सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई। देखिए अब राजस्थान से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल वह यूपी का निवास प्रमाण पत्र लास्ट ईयर तक मांगा था, और इस बार इंतजार करिए सभी बच्चे, देखिए एक बार इंतजार भी हम लोग करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में काफी बार बदलाव हो जाता है, और कभी कभी देखिए 100% सीट को फुल करने के लिए सरकार कुछ नियमों में बदलाव भी कर सकती है। अगला सवाल, सर मैंने आपके व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, आज तक रिप्लाई नहीं आया। देखिए एक बात आपको बता दें, ठीक है, जितने भी बच्चों का रिप्लाई अगर अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो वो दोबारा मैसेज कर लिया करिए, ठीक है ना। तो कभी कभी रिप्लाई नहीं आ पाता, होता क्या ना, इतने बच्चे मैसेजेस करते आते हैं ना, तो लंबी लिस्ट हो जाती है, रिप्लाई नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं, सॉरी, ठीक है, सभी बच्चों से। तो आप लोग दोबारा रिप्लाई मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सर मेरा एससी कैटेगरी में हाई स्कूल में 60%, 12वीं में 63, ग्रेजुएशन में 46 है, प्लीज सर बता दो, ठीक है, क्या करना है। जो भी दोस्तों बात है, फिलहाल आपको बता दें आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। तो एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन में याद रखिएगा मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम, ठीक है, वो ग्रेजुएशन में 45%, आरक्षित वर्ग 50%, जनरल कैटेगरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए।
सर प्लीज मुझे बता दो कि हाई स्कूल में ये सब बात ठीक हुई है, लेकिन फॉर्म कब तक आएगा पहले ये बताओ, कितनी डेट तक? देखिए आपको बता दें, जून में हमारा ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाना चाहिए था। अब देखिए इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इसी वजह से लेट लतीफी हो रही है। सबकी नज़र, पूरे देश की नज़र चुनाव पर थी, आपकी भी नज़र रही होगी, ठीक है ना? तो अब नज़र डीएलएड पर आएगी सबकी, और जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। सर एडमिशन होने के बाद एग्जाम कब होगा, जुलाई में होगा क्या? देखिए अभी आप लोग का जो एडमिशन हो जाएगा ना, जुलाई में भी पेपर उन बच्चों का होगा जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के हैं, ठीक है ना? उनका पेपर होगा, अभी आप लोग का नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना? जो अभी पेपर की बात हो रही है वो पिछले साल वाले बच्चों की। अभी आप लोग जब इस बार एडमिशन जल्द से जल्द हो जाएगा, तो एडमिशन होने के 6 महीने के बाद, ठीक है ना, पेपर का प्रोसेस होता है। सर बीटीसी में कितने नंबर रहेगा तो नौकरी मिल जाएगी? देखिए बीटीसी में नंबर से मतलब ज्यादा नहीं होता है। देखिए शिक्षक भर्ती का क्या प्रोसेस है, हम आपको बता दें, लास्ट जो यूपी में वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें ये प्रोसेस था कि 40% आप लोग का एकेडमिक लिया जाता है, और 60% आपका दोस्त से एक पेपर कराया जाता है जिसका नाम सुपर टेट होता है, उसका लिया जाता है। जैसे ये समझ लीजिए हाई स्कूल में आपके मान लेते हैं 80% है, ठीक है, जितना भी परसेंट होगा उसको 10 से भाग करेंगे, 80/10 कितना नंबर आ गया, 8 नंबर। मान लेते 12वीं में दोस्तों आपके नंबर है 70%, ठीक है, तो 70% को 10 से भाग करेंगे 7 नंबर। ग्रेजुएशन में मान लेते हैं आपके आगे 60%, 10 से भाग करेंगे 6 नंबर। डीएलएड में नॉर्मली आपके 80 से 90% होते हैं, मान लेते 80%, 10 से भाग करेंगे 8 नंबर, 80 तो नहीं आएगा, 90 आ जाएंगे, ठीक है ना? डीएलएड में 90% नॉर्मल होते हैं, तो ये जोड़ लेंगे जरा आप लोग। हाई स्कूल में कितने नंबर, 8 नंबर 7 15 6 21 9 30, ये हो गया 230 नंबर, कितने में से हो गया 40, ठीक है, 40 में से आपने 30 नंबर यहाँ प्राप्त कर लिए। उसके बाद 60% 150 नंबर का एग्जाम कराया जाता है, उसके 60% नंबर लिए जाते हैं, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। चलिए पहले भी आप लोग शिक्षक भर्ती का एक लंबा प्रोसेस रहेगा, परेशान मत होइए। सर अभी हम लोग का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, फॉर्म फिल यूपी करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, ठीक है ना? तो फिलहाल देखिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे, तो रिजल्ट आ जाने दीजिए। जब ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस होगा तब तक रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। रीजन क्या है बता देते हैं। देखिए आप लोग का जो एडमिशन है वो मेरिट के आधार पर होता है, अगर आपका एडमिशन एंट्रेंस के एग्जाम को आधार पर होना तो कोई दिक्कत ना हो। अब मेरिट से क्या होता है, आपके हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन, ये तीनों परसेंटेज जोड़ते ही तो आपको एडमिशन मिलता है। अब मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या परसेंटेज बनेगा आप भी नहीं जानते, ठीक है ना? तो ये सब दिक्कतें हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर फॉर्म कब फिल होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्लीज बता दीजिए। देखिए जो फॉर्म फिल होता है ना वो प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए एक ही होता है, अगर आपकी मेरिट अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट मिलेगा, मेरिट कम होगी तो आपको प्राइवेट मिलेगा, ठीक है? अगला सवाल, सर मेरा हाई स्कूल में 81 है, इंटर में 80 है और ग्रेजुएशन में 67 है, ओबीसी में आती हूँ, सर क्या मुझे सरकारी कॉलेज में मिल जाएगा? देखिए आपको बता दें, सरकारी कॉलेज में आरक्षित वर्ग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 235 प्लस होगा तो आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, इससे कम नंबर है तो 50-50 वाला चांस रहेगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात समझ लीजिए। डीएलएड में एडमिशन डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं और क्या वो अभी हो रहे हैं? देखिए आपको बता दें, जो डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन के पात्र नहीं होंगे। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये होता है कि आप काउंसलिंग मत कराइए, डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, लेकिन फॉर्म तो फिल करना ही पड़ेगा। अगला सवाल, हाई स्कूल में 80%, 12वीं में 77, ठीक है, और 5th सेमेस्टर में इतने गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी से, ठीक है, तो नंबर परसेंटेज आपके अच्छे हैं, इंतजार करिए रिजल्ट के लिए। बीकॉम फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दी हूँ, रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट आ जाने दीजिए, बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा। सर 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो क्या फॉर्म डाल सकते? नहीं, बिना रिजल्ट के नहीं। एक बात और याद रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन का जैसे अगर 3 साल का कोर्स है तो जितने भी तीनों साल का परसेंटेज है ऊपर जोड़ेंगे और नीचे 3 से भाग करेंगे, इस हिसाब से आपको अपना परसेंटेज भी निकालना होगा। सर फॉर्म फीस कितना रहेगा? फॉर्म की फीस 700 रुपये थी लास्ट टाइम, ठीक है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, बाकी एससी एसटी में 500 रुपये थी, इस हिसाब से फीस रहेगी। सर यूपी डीएलएड 2024 का एडमिशन का फॉर्म कब तक आएगा? बहुत ही जल्द आने वाला है। सर सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, देखिए
आपको कोई भी कॉलेज लेना है, चाहे गवर्नमेंट लेना है चाहे प्राइवेट, आपको सारे विकल्प डालने पड़ेंगे। अगर किसी कॉलेज की सीट भर गई है तो वो कॉलेज आपको काउंसलिंग के टाइम शो भी नहीं करेगा। अगला सवाल, सर मैं वाराणसी से हूँ, मेरा रिजल्ट हाई स्कूल में 88%, 12वीं में 77.4 और ग्रेजुएशन में 75 है, क्या मुझे डैट कॉलेज मिल सकता है? जी हाँ। अब देखिए ये सब परसेंटेज, हाई परसेंटेज वाले बच्चे रहेंगे तो यही सब बातें होती है ना, ठीक है, इनको मिल जाना चाहिए। सर स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा, प्लीज़ सर बता दो कुछ टाइम, ठीक है। तो देखिए आप लोग का जो स्कूटनी का रिजल्ट है ना, ये वो बच्चे हैं जो DLED अभी लास्ट ईयर में मतलब सेकेंड और फोर्थ का पेपर दिए थे, इन बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है स्कूटनी का। मतलब कभी कभी बच्चों की बैक लग जाती है, नंबर कम आता है, तो एक बार स्कूटनी करा सकते हैं ताकि उसमें नंबर अगर बढ़ सकते हैं तो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है, इंतजार करिए। सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा गाजीपुर में, मेरिट 224, ठीक है गुरु जी मेरी मेरिट इतनी है। देखिए 225 नंबर के आसपास चांस बहुत ही कम है, यादव जी है देखिए नाम भी है, तो OBC कैटेगरी में 224 नंबर समथिंग मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी आप लोगों के लिए क्लियर है, शैक्षिक अर्हता यहाँ पर लिखा है साफ साफ, स्नातक परीक्षा में न्यूनतम मतलब ठीक है ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग के सब में 5% की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। वही बात हमने बताई थी, एज में दोस्तों मिनिमम 18 साल, निवास दोस्तों आपका UP का होना जरूरी, साफ साफ लिखा है। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों, हो सकता है दोस्तों 2024 में ये नियम बदल जाए, ठीक है इंतजार करिएगा नोटिफिकेशन का, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन जब पार्ट वन करते हैं इसी समय आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है, अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए तो फिर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे, क्या मतलब है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ फॉर्म फिल कर लेंगे, जब सारा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसका रिजल्ट आता है, तो एज अ रिजल्ट आपका स्टेट रैंक जारी की जाएगी। स्टेट रैंक में दोस्तों ये रहेगा, अगर आपकी 1 से 20 हज़ार आएगी तो आपको पहले ही बार में ठीक है ना काउंसलिंग का मौका मिलेगा। जो फर्स्ट टाइम बच्चे काउंसलिंग करते हैं ना उसमें सारे कॉलेज अवेलेबल होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, सेकेंड टाइम तक आते आते कभी कभी गवर्नमेंट कॉलेज भर जाते हैं। जनरेट OTP करने के लिए आपको 5,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, और जो चॉइस लॉक कर देंगे मतलब जो कॉलेज अगर आपके मन का मिल गया तो 5,000 और पेमेंट करेंगे, टोटल आप 10,000 पहले ही पेमेंट कर चुके होंगे एडमिशन लेने से पहले। सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की 10,200 होती है, ठीक है, और 10,000 आप एडवांस पेमेंट करेंगे, मात्र 200 रुपये आपको बाद में ठीक है पे करके एडमिशन लेना होगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी ये सरकार अच्छी है, याद रखिएगा सरकार वही अच्छी है जो आपको 10,200 में एडमिशन दिला सके या और भी ज़्यादा डायट कॉलेज ओपन करे। जी हाँ दोस्तों ये सब कॉलेज पहले के खुले हैं, क्या नए डायट कॉलेज खुल रहे हैं ये सवाल करिएगा अपनी सरकार से, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है ना दोस्तों, क्या क्या लग जाएगा, पहले क्या क्या लग चुका है, अलॉटमेंट लेटर जो 10,000 पेमेंट आप करके ये डाउनलोड करेंगे, आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जो सबसे पहले आप 700 रुपये वाला फॉर्म भरते हैं उसका ये रहेगा, ये वैकल्पिक को हटाते हैं, हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल में से भी काम होगा, निवास जाति, ठीक है। अगर आप आरक्षित में देखिए जाति प्रमाण पत्र में एक बात लिखा है, विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, ठीक है, ये सब जरा ध्यान रखिएगा। शपथ पत्र आपको एक लगेगा, और देखिए आपको प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे, बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन, हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर। पहले जो दो विषय दिख रहे हैं आपका एक पहले दिन पेपर होगा, दूसरे दिन आपका 3 पेपर होगा सेकेंड डे, और तीसरे दिन आपका 3 पेपर, मतलब 3 दिन में आप लोग का पेपर कंप्लीट। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ वीडियो बने थे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिएगा 8738079216 8738072916। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और देख सकते हैं पेपर लीक में फरार सुभाष प्रकाश ने भी दी थी परीक्षा, RO पेपर लीक की बात थी, ठीक है ना, तो ये सब बातें भी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।